हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आपके आईटीआई फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के टॉप 50 एमसीक्यू लेके आऊँ। अगर आपने आईटीआई फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देना है, अगर आपको पेपर क्लियर करना है, तो आपको इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना होगा। अगर आपको पेपर पास करना है, तो आप इन क्वेश्चन को रट लीजिए। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, इस वीडियो में से आपको लगभग 5 से 7 क्वेश्चन, यानी कि इन 50 एमसीक्यू में आपको लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को ध्यान से अटेंड करना है और जल्दी से वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को भी शेयर करना है, जिससे कि आपको दोस्तों को भी एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना अगर आपको पेपर क्लियर करना है बिना बैक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निकल लोहे सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा है। देखिए, जो निकल लोहे सेल होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इनमें से किस रसायन का उपयोग होता है। तो देखिए, निकल लोहे सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आपके KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 2 SWG का तार इनमें से किसके व्यास के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर रहेगा, देखिए, वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 7.01 मिमी। देखिए, जो SWG होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड वायर गेज, और इसमें 0 से लेकर 36 तक की संख्या यानी कि खांचों की संख्या जो है वो होती है, और इससे किसी तार का SWG साइज जो है वो मापा जाता है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है, उसे कैसे परिभाषित किया जाता है। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है, इसे आपके पारे के स्तंभ के रूप में परिभाषित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसे आपके पारे के स्तंभ के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर रहेगा, वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से क्या ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो आपको बताना, इनमें से कौन से जो है ओम का नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्धचालक, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, वैक्यूम ट्यूब या फिर इन सब। देखिए, इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर रहने वो रहेगा ऑप्शन नंबर ई, ये सब, यानी कि अर्धचालक, थर्मिस्टर, ट्रांजिस्टर और वैक्यूम ट्यूब, ये चारों ही जो है वो आपके ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रट लीजिएगा, तापदीप दीप का फिलामेंट किससे बना होता है, यानी कि जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है। देखिए दोस्तों, ये सभी आपको पता होगा, बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो होता है वो आपके टंगस्टन धातु का बना रहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो वो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट का खालिस्तान बैटरी के चार्ज की अवस्था प्रदर्शित करता है। देखिए, जो इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है आपके बैटरी का, इसके जो चार्जिंग की अवस्था होती है, इसे हम विशिष्ट गुरुत्व के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम विशिष्ट घनत्व भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपके बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 6 बैंड रजिस्टर रंग कोड में निम्न में से कौन सा बैंड तापमान गुणांक प्रदर्शित करता है। देखिए, इसमें जो आपके तापमान गुणांक को प्रदर्शित करेगा वो कौन सा करेगा, 6ठा करेगा। तो ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके लिए आपको, देखिए दोस्तों, कलर कोड बैंड जो सारणी होती है प्रतिरोधक वाली, वो आपको याद रखनी होगी, तो उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा थ्योरी की बुक से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर के रूप में कैसे रूपांतरित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर के रूप में रूपांतरित करने के लिए आपको इसके समानांतर में एक प्रतिरोध जोड़ना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, इसके समानांतर में एक प्रतिरोध को जोड़कर हम गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भूयोजन तार का भूमिगत तार का आकार किस पर निर्भर करता है। देखिए, जो भूमिगत केबल होती है, इसका आकार आपके निम्न पर निर्भर करता है, यानी कि ए व सी दोनों पर। देखिए, भूमिगत तार के माध्यम से प्रवाहित अधिकतम दोष धारा पर तथा मर्दा की प्रतिरोधकता पर, यानी कि इन दोनों
पर आपके भूमिगत तार का आकार जो है वो निर्भर करता है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से कैसे सहायता होती है। देखिए दोस्तों, स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से ये सहायता होती है, इससे इसे ताज़ा और पूर्णतः चार्ज बनाए रखने में हमें सहायता मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का आपके बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। देखिए लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा आपके रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यदि किसी प्रतिरोधक के तीन रंग बैंड्स पीले बैंगनी और ब्राउन है तो प्रतिरोधक का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कह दिया इसके लिए आपको आपके थ्योरी की बुक में जो कलर बैंड सारणी है प्रतिरोध वाली, वो आपको याद रखनी होगी। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 470 ओम। तो आप उस सारणी को याद कर लीजिएगा जिसमें पहला आपके पट्टी जो है वो रंग को दर्शाती है, द्वितीय पट्टी आपके द्वितीय रंग को दर्शाती है, तृतीय पट्टी आपके गुणांक को दर्शाती है और चौथी पट्टी आपके टॉलरेंस यानी कि उसकी प्रतिशतता को दर्शाती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 50 कूलम आवेश 5 सेकेंड की अवधि तक संवाहक में प्रवाहित होने पर धारा का मान क्या होगा। देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या होता है, आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में टी। देखिए यहाँ पे क्यू आवेश का मान कितना है मेरे पास 50 है, सेकंड यानी कि समय कितना दिया गया है 5 दिया गया है, तो 5 10 कितना हो जाएगा 50, तो यहाँ पे जो अपने पास धारा का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 10 एम्पियर आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खालिस्तान चालकता का व्युत्क्रम है। देखिए जो प्रतिरोधकता होती है ये आपके चालकता का व्युत्क्रम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। आपको याद रखना है प्रतिरोधकता जो होती है वो चालकता का व्युत्क्रम होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरिंग से संबंधित क्वेश्चन है, बैटन वायरिंग के दौरान केबलों को स्थान पर दृढ़ता से क्लिपिंग करने के लिए खालिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपके लिंक केबल का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, लिंक केबल का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके वायरिंग से संबंधित क्वेश्चन है और ITI एग्जाम में मान के चलिए आपके वायरिंग से संबंधित 3 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सागौन की लकड़ी पर TRS केबल डालने के लिए खालिस्तान वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए इसके लिए आपके लिए बैटन वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, घरेलू उद्देश्यों के लिए निम्न में से किस वायरिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, घरेलू उद्देश्यों के लिए आपके लिए जो वायरिंग प्रणाली इस्तेमाल की जाती है वो कंड्यूट वायरिंग प्रणाली इस्तेमाल की जाती है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, BJT का आधार है। देखिए BJT की फुल फॉर्म क्या होती है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका आधार क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, इसका आधार जो है वो हल्का डोपित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पूर्ण तरंग सेतु संशोधक में यानी कि जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें लगे डायोड्स की संख्या कितनी होती है। तो उसमें लगे डायोड्स की संख्या आपकी कितनी होती है, 4 डायोड होते हैं। जो आपके हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें डायोड की संख्या 1 होती है, फुल वेव में 2 होती है, ब्रिज रेक्टिफायर में कितनी होती है, डायोड्स की संख्या 4 होती है। रेक्टिफायर क्या होता है, AC को DC में चेंज करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को रट्टा मार लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा, सिलिकॉन डायोड के लिए अगर बायसित वोल्टेज लगभग कितना होता है। देखिए सिलिकॉन डायोड के लिए जो अगर बायसित वोल्टेज का मान होता है कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जर्मेनियम डायोड के लिए अगर बायसित वोल्टेज का मान लगभग कितना होगा, तो कितना होगा, ये आपके 0.3 वोल्ट होगा। किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए कितना होगा, 0.7 वोल्ट होगा। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको सिंबल दर्शाया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा डायोड नीचे दिए गए प्रतीक को दर्शाया जाता है। तो देखिए ये जो आपके सिंबल दिया गया है, ये सिंबल आपके किस डायोड का है, टनल डायोड का है। किस डायोड का है, टनल डायोड का है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डबल एनर्जी ट्रांजिस्ट
किस में होता है? तो किस में होता है, देखिए डबल एनर्जी तो ट्रांजिस्ट होता है, ये आपके आरएलसी सर्किट में होता है। किस सर्किट में होता है? आरएलसी सर्किट में होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, थायरिस्टर की कितनी परतें होती है? देखिए जो थायरिस्टर होता है इसमें परतों की संख्या कितनी होती है? चार होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होते हैं? देखिए जो आपके जेनर डायोड और एवलेंच डायोड होते हैं वो आपके रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ई, सी व डी दोनों, यानी कि जेनर डायोड और एवलांच डायोड, ये दोनों डायोड आपके रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होते हैं, यानी कि कार्य करते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गुणवत्ता कारक को और किस नाम से भी जाना जाता है? देखिए जो गुणवत्ता कारक होता है इसे आपके अन्य नाम से जाना जाता है, वो क्या है? वोल्टता आवर्धन इसका अन्य नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि जो है वो कितनी होगी? देखिए फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/T होता है। अगर यहाँ से आपके लिए टाइम पीरियड पूछा जाता है तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 1/F हो जाएगा। एफ आपके पास कितना दिया गया है? 200 दिए गए, तो आपको क्या करना है? 1/200 करना है। जब आप इसमें भाग देंगे तो आपका राइट आंसर निकलेगा 0.005 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? देखिए इनमें से जो सक्रिय डिवाइस का उदाहरण है वो कौन सा है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक सक्रिय डिवाइस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फीडर सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रिले इनमें से कौन सा है? देखिए जो फीडर सुरक्षा होती है इसमें जो रिले यूज़ किया जाता है उसका नाम क्या होता है? ट्रांसले रिले इसमें यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी ट्रांसले रिले आपका राइट आंसर रहेगा। इसका यूज़ आपके फीडर सुरक्षा हेतु किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मोटर से संबंधित है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर स्लॉट को थोड़ा सा तिरछा क्यों रखा जाता है? इसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है आपके चुंबकीय गुंजन को कम करने हेतु। चुंबकीय गुंजन को कम करने हेतु इसे आपके थोड़ा सा तिरछा जो है वो रखा जाता है। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 5 लाइट के बल्ब 110 वोल्ट पर समानांतर में जुड़े हैं, प्रत्येक बल्ब को 200 वाट पर रेट किया गया है, तो प्रत्येक बल्ब के माध्यम से लगभग कितने करंट की खपत होगी? देखिए यहाँ पे आपको V का मान दे दिया गया है 110 वोल्ट, P का मान दे दिया गया है 200 वाट। देखिए जो फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू I। अब आपको I का मान निकालना है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P अपॉन में V। P का मान आपके पास कितना है? 200 है, और V का मान कितना है? 110 है। भाग दे दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। भाग देने पर आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी 1.8 एम्पियर इसका मान आ जाएगा। बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू ही पुट करनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यदि किसी भी समानांतर सर्किट में समानांतर प्रतिरोधकों को एक सर्किट से हटा दिया जाता है तो कुल प्रतिरोध पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जो समानांतर सर्किट होते हैं उसमें यदि किसी प्रतिरोध में से, यानी कि ये तीन है, यदि इन तीनों में से ऊपर वाले को हटा दिया जाता है तो इस स्थिति में कुल प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है। और देखिए दोस्तों जो आपके समानांतर प्रतिरोध होते हैं उसमें आपके जो मान लीजिए तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं, इसमें जो आपके सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उससे भी आपके जो टोटल रेजिस्टेंस है उस प्रतिरोध से भी कम होगा। और ये जो दूसरी कंडीशन लागू होती है जो कि आपके श्रेणी में होती है, उसमें जितना बड़ा आपके प्रतिरोधक होगा उससे भी बड़ा आपके जो है वो टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 4 समानांतर शाखाओं में प्रत्येक में बिजली का डिस्पेंशन 1.2 वाट है तो कुल बिजली डिस्पेंशन कितनी है? एक में 1.2 है तो 4 में कितना होगा? 4 का गुना कर दीजिए तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए 4.8 वाट। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, खालिस्तान को प्रति पोल आर्मेचर स्लॉट की संख्या के रूप में भी परिभाषित किया गया है, तो किसे किया गया है?
ये आपके पोल पिच को किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में पोल सूज का उद्देश्य क्या होता है। देखिए डीसी जनरेटर में पोल सूज का जो कार्य होता है वो होता है फील्ड्स कॉइल्स को सहारा देना और एयर गैप्स में फ्लक्स को समान रूप से फैला कर रखना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। तो ये आपको ध्यान में रखना है बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हिस्टेरिसिस हास किस में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए जो हिस्टेरिसिस हास होता है ये आपके स्टील के प्रेरण तापन में प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, थर्मोपाइल किस सिद्धांत के अधीन काम करता है। तो देखिए जो थर्मोपाइल होता है ये आपके सीबेक प्रभाव के अंतर्गत कार्य करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक आयरन में क्वाइल से बेस प्लेट तक उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस प्रकार होता है। देखिए इसमें जो उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से होता है ये आपके चालन विधि के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एलवीडीटी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए जो एलवीडीटी होता है ये आपके अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इसके चलायमान कॉइल से गुजरने वाले खालिस्तान के अनुपात में इसकी सुई जो है वो विचलन करती है। तो ये आपके चार्ज के साथ इसकी सुई जो है वो विचलन करती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसी ब्रिज जिसे आवर्ती नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वह खालिस्तान है। तो कौन सा ब्रिज लाया जाता है, इसके लिए आपके वैन ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपके बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किसके लिए गॉस का नियम जो है वो लागू होता है। देखिए जो गॉस का नियम होता है वो आपके इन चारों के लिए लागू होता है, यानी कि केवल पॉइंट चार्ज के लिए भी, अनंत लाइन चार्ज के लिए भी, चार्ज की अनंत शीट के लिए भी और समान रूप से गोलाकार के लिए भी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए इस क्वेश्चन को, थर्मल रिले किस सिद्धांत पर काम करते हैं। देखिए जो थर्मल रिले होती है ये ऊष्मा प्रभाव पर कार्य करती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा एक उपकरण है जिसका प्रयोग इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। देखिए इंसुलेशन प्रतिरोध मापन हेतु मेगर का यूज़ किया जाता है, और इंसुलेशन प्रतिरोध हमेशा आपको याद रखना है मेगा ओम में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किसी मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर में एनोड सामान्य तौर पर खालिस्तान से निर्मित होते हैं। तो इसमें एनोड सामान्य तौर पर आपके ग्रेफाइट से निर्मित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, कॉन्स्टेंटन में खालिस्तान शामिल है। देखिए कॉन्स्टेंटन में आपके तांबा और निकल जो है वो शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स का हीटिंग एलिमेंट एक खालिस्तान मिश्र धातु से बना होता है। देखिए इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो आपके निकल और क्रोमियम से बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आईटी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपके निकल और क्रोमियम से जो है वो निर्मित होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या यानी कि समांतर मार्गों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, दो होती है, और लेप वाइंडिंग में कितनी होती है, पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो देखिए दोस्तों ये थे आपके 50 प्लस क्वेश्चन, मैंने आपको कवर करा दिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, रट लीजिए पेपर इसमें से आ जाएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।